जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीओआई में। मैं संयम जैन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के असाइनमेंट पर। सभी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि हमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, हमें असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहां से डाउनलोड करने हैं, असाइनमेंट कैसे तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो सेशन में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL के फर्स्ट और सेकंड ईयर के सभी छात्रों को असाइनमेंट बनाने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों के पेपर तो कैंसिल हो गए हैं, पर उनके असाइनमेंट बनने हैं, जिसके क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपलोड भी कर दिए हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि डैशबोर्ड ओपन कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च करना है sol.du.ac.in। जैसे ही आप यह सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की विंडो आपके सामने ओपन हो गई होगी। फिर आपको SOL असाइनमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है और अपना बारकोड नंबर डालना है। बारकोड नंबर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। बारकोड नंबर आई कार्ड की फोटो के ठीक ऊपर लिखा हुआ होगा। लॉगिन करने के बाद जो विंडो ओपन होगी, वहाँ पर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के 8 असाइनमेंट बनने हैं, चाहे आप BA में हो या फिर आप BCom में हो। इसी तरह से सेकंड ईयर के सभी असाइनमेंट बनने हैं। सेकंड ईयर वाले बच्चों का एनुअल मोड था, इसलिए उनके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उतने ही असाइनमेंट उनको बनाने होंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि असाइनमेंट बनाने कैसे हैं। असाइनमेंट आपको A4 साइज की सीट पर लिखने हैं। यह A4 साइज की सीट पर वन साइड ही आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ आपको नहीं लिखना, एक ही तरफ आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको 2 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में करने होंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर 3 या 4 क्वेश्चन दिखाए गए हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारी गाइडलाइन दी गई है, आपको उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आप BA या BA ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की बात करेंगे तो उनको एक असाइनमेंट में 500 वर्ड का आंसर लिखना है, यानी कि 5 से 6 पेज। दोस्तों, सभी लोगों को अलग अलग गाइडलाइन के हिसाब से वर्ड लिखने होंगे। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में 5 से 6 पेपर लिखने हैं। सभी सब्जेक्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपको उसके असाइनमेंट के आंसर लिखने हैं। पर आपको असाइनमेंट A4 साइज की सीट पर और वन साइड ही होना चाहिए। और जैसे ही आप एक सब्जेक्ट के दोनों क्वेश्चन तैयार करते हो तो फिर आपको उनकी PDF बनानी है, और जहां से आपने क्वेश्चंस डाउनलोड किए थे वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर उस PDF को अपलोड करना है। तो इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनके अपने आंसर बनाकर उनको आप अपलोड करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आंसर जो लिखने हैं वो लिखने कहां से हैं। आपको आंसर लिखने के लिए जो DU के द्वारा दी गई किताबें हैं उनमें से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके साथ ही गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट पब्लिशर जो किताबें होती हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही आंसर लिखने में आपको ब्लैक और ब्लू 2 पेन का ही यूज़ करना है। उसके अलावा असाइनमेंट में सभी आंसर सीट पर ऊपर की तरफ एग्ज़ाम रोल नंबर, SOL का रोल नंबर, सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट कोड सभी पेपर पर होने चाहिए, और हर एक क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना है। अगर आपके पास एग्जाम रोल नंबर नहीं है तो आप DU की वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
होल टिकट में आपकी डेट लिखी हुई है कि कब से कब तक आपको अपने असाइनमेंट जमा कराने हैं। जैसे बीए प्रोग्राम और मैं बीए ऑनर्स की अगर बात करूं तो 25 जून से लेकर 11 जुलाई शाम 6 बजे तक यह असाइनमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, पर लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। और जो अदर कोर्स के बच्चे हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसके हिसाब से अपने असाइनमेंट टाइम से पहले सबमिट करेंगे। जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो लास्ट तारीख होती है तो वेबसाइट के ऊपर बहुत ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको टाइम से पहले असाइनमेंट सबमिट करना है। पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के लिए जो फिजिकल विडो हैं उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने SOL ने 3 दिन एक्स्ट्रा भी दिए हैं। आज हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर बात की। अगर आपके मन में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित या असाइनमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी या तो नई वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में ही आप तक उसका जवाब पहुंचा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।